चिल्ड्रेन, सम स्टमक से जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, नाउ इट मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट अस डू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इजेंट इट अमेजिंग थिंग? क्योंकि हमारे बॉडी के छोटे से पार्ट में इतने सारे लेंथ के इंटेस्टाइन अच्छे से फोल्ड करके पड़े हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। बिसाइड्स, इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपने डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बट ऑल्सो इट रिसीव्स सम जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। सी, आई एम अटैचिंग अ फिगर हियर ऑल्सो, सो यू कैन सी दैट लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड, स्टमक के राइट साइड आप देख सकते हो एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सो इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी लीवर के एकदम पास आप देख सकते हो, ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है, और जो लीवर से जो जूसेस मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो जो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, और जो लीवर में जो भी जूस प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट जो है हमें मिलता है मेनली ऑयल है या घी है या एग्स है, तो इन सब में से हमें फैट मिलता है। तो फैट फैट का डाइजेशन होता है गॉल ब्लैडर में से, जो हमें बाइल जूस मिलता है उसमें से, और ये जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये जूसेस जो है वो सीक्रेट्स होते हैं, मतलब उसमें ऐड होते हैं। नेक्स्ट वन ग्लैंड इज अ पेनक्रियास। इट इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। आप देख सकते हो, इसका भी मैं आप फिगर में देख सकते हो कि पेनक्रियास जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दैट इज पेनक्रियास ग्लैंड। एंड इट ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, और ये जूसेस जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होते हैं। द पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि स्टमक जो है उसमें प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म बनता है, लेकिन पार्शियली बनता है, पूरा प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता नहीं। वैसे ही जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर से जो मिलता है या लीवर्स में से जो प्रोड्यूस होता है, वो जो है वो फैट्स का डाइजेशन करने में हेल्पफुल है, लेकिन पेनक्रियास जूस है वो सारे आइटम्स को डाइजेस्ट कर सकता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन। इन सारे फूड आइटम्स का सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इंटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब सारा फूड पहुँचता है दैट इज सेमी डाइजेस्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो ऑल दिस फूड आइटम्स, ऑल दिस फूड कंपोनेंट्स विच आर कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स चेंजेस इनटू सिंपलर, इट्स सिंपलर फॉर्म।
जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, सिंपल शुगर या सच एज ग्लूकोज, फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में। नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू यूटिलाइज इट बाय आवर बॉडी। सो हियर नाउ वन मोर प्रोसेस इज देयर, दैट इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन तो हो गया, अब इसे बॉडी के सारे पार्ट्स तक कैसे पहुँचाए? सो हियर इट इज द प्रोसेस। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जो डाइजेस्टेड फूड जो है उसे ब्लड में ऐड करके उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाए। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। ये मैं आपको एक फिगर यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, दैट इज विली। तो छोटे छोटे आप देख सकते हो कि फिंगर जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स आपको दिखेगी। वॉट इज द यूज ऑफ दिस? दीज आर कॉल्ड विली। विली इज अ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर इज विलस। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? अब इनका क्या काम है, क्या करते हैं विली जो है वो क्या करते हैं? सी चिल्ड्रन, ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, आप जैसे एक पेपर है या क्लॉथ पीस है तो इसे छोटे छोटे फोल्ड करो तो उसकी सरफेस जो है वो आपको छोटी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी लेंथ जो है वो बहुत सारी है, लेकिन वो छोटी एरिया में वो एडजस्ट हो सकेगा। तो ऐसा ही कुछ है, ये छोटे छोटे फोल्ड्स हैं, लेकिन जितने फोल्ड्स ज़्यादा उतने सरफेस एरिया ज़्यादा। तो कुछ यहाँ पे भी हमें ऐसा ही चाहिए कि इंटेस्टाइन की जो भले ही वो छोटे एरिया में एडजस्टेड है, लेकिन उसकी सरफेस बड़ी है, आप लोगों को पता है। सो जैसे ही सरफेस बड़ी है, जितना सरफेस बड़ी है उतना एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। सी चिल्ड्रन, एकदम थीन और स्मॉल ब्लड वेसल्स है ना, उसे कहेंगे कैपिलरीज। तो सरफेस के एकदम पास में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू जो फूड है, जो फूड कंपोनेंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये जो सरफेस है वो पहले तो डाइजेस्टिव जो फूड डाइजेस्ट हुआ उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब ये क्या करेगा, जैसे ही विली में जो फूड आइटम एब्जॉर्ब होता है, देन इट इज एडेड मीन्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में एड होगा, एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वहाँ पे अगेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे जैसे कि प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन प्रोसेस को हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जो फूड आइटम्स है, फूड कंपोनेंट्स है, वो विली में एब्जॉर्ब होगा, देन इट एडेड टू ब्लड वेसल्स, एंड दिस ब्लड वेसल्स से बाकी के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये कंपोनेंट्स पहुँचेंगे, एंड देन अगेन इट टर्न्स इंटू कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ हो और रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ये हम आगे के एक चैप्टर में देखेंगे चिल्ड्रन, के ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है सेल्स में, और इससे
एनर्जी मिलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज्ड होती है। और एक ये भी बात मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज जो है ना वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। इंस्टेंट एनर्जी क्यों? बिकॉज जो ऑक्सीजन सॉरी जो ग्लूकोज है वो सिंपलर सब्सटेंस है, और जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं उसे हमारा बॉडी डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है, उसे ब्रेकडाउन होने की ज़रूरत पड़ती नहीं। सो ग्लूकोज जो है, जब हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं पाउडर फॉर्म में या ऐसे, तो डायरेक्टली वो बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब होता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी इससे मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जी, फूड में जितना डाइजेशन होता है उसमें से जो भी हमें यूजफुल मटेरियल्स है वो सारा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कुछ फूड ऐसा भी होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और कुछ मटेरियल्स ऐसा होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इन सब का क्या होता है? सो उसके बाद का कंपार्टमेंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी मैं एक फिगर आपको बता रही हूँ। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस वो सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो वो थोड़ा सेमी लिक्विड सेमी फ्लूइड जैसा होगा, तो इसमें से वाटर एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना ये काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। अब ये जो बाकी रहा फूड वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होने के बाद वो आता है रेक्टम, वो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे का एक पोर्शन है, वहाँ पे आएगा इट एंड इट रिमेन्स देयर ओनली। एंड द फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। सो ये जो मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम, एंड दिस कॉल्ड टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन।